बिहार में इन दिनों भोजपुरी व मगही गीतों की अश्लीलता की बातें हर तरफ जारी है। अश्लीलता की निंदा करते हुए लोगों का कहना है कि इससे समाज में महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। इसी मसले पर बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हिंदी भाषी बिहार के विभिन्न अंचलों में कई बोलियां प्रचलित हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भोजपुरी और मगही का सबसे ज्यादा दुरुपयोग अश्लीलता ऑडियो वीडियो बनाकर महिलाओं को अपमानित लज्जित करने में धड़ल्ले से हो रहा है। सुमो ने कहा कि जिस तरह राज्य सरकार ने महिलाओं की असीमता बचाने और घरेलू हिंसा पर कारगर रोक लगाने के लिए पूर्ण शराबबंदी लागू की थी, उसी तरह अश्लील गानों और वीडियो पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विवाह और बारात हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन बारात के दौरान पिंजरा नुमा वाहनों में लड़कियों की अश्लील ढंग से गुमाइश करना, शराब पीकर नाचना और बारात के कन्या पक्ष के द्वार पहुंचने पर हर्ष फायरिंग करना परंपरा नहीं बल्कि सामाजिक विकृति है। जब बारात प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं निकलती तब प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बारात में कोई भी व्यक्ति अश्लीलता, शराबखोरी और दबंगई दिखाने के दुस्साहस न कर सके। बिहार को शर्मसार करने वाली ऐसी प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाना चाहिए।